नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा पर। दोस्तों मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और उन लोगों ने सभी ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप YouTube पर जब पहली वीडियो बनाओ तो इसी टॉपिक के ऊपर बनाना कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर स्टॉक ऑप्शन हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर समय पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। हमारा प्रॉफिट देखते ही देखते लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हम बुक नहीं कर पाते हैं उसको। इसके ऊपर कोई सुझाव दीजिए, कोई टिप्स दीजिए या फिर कोई तरीका बताइए जिससे कि हम समय पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक की हो, प्रॉफिट को बुक करने में आप कभी भी नहीं चूकोगे अगर इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लेते हो तो। तो पहले दोस्तों आप एक चीज समझ लीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, सभी के अंदर जो लॉट साइज होता है वो हमेशा डिपेंड करता है शेयर के प्राइस के ऊपर। देखिए जैसे बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 शेयर का है, निफ्टी का लॉट साइज 50 शेयर का है, और जो स्टॉक होते हैं, स्टॉक में जो ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक होते हैं उनका लॉट साइज डिपेंड करता है शेयर के प्राइस के ऊपर। जैसे MRF की कंपनी का शेयर है, जितना बड़ा शेयर होगा उतना छोटा उसका लॉट साइज मिलेगा। आइडिया आपको सभी को पता है, 70,000 शेयर का लॉट साइज है दोस्तों, एक लॉट 70,000 शेयर का। रिलायंस देख लीजिए, बड़ा शेयर है लेकिन 250 शेयर का लॉट साइज है। तो आपको पहले ये बात समझनी होगी कि जितना बड़ा शेयर का प्राइस होगा उतना ही उसी हिसाब से उसका लॉट साइज बनता है, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए। अब जो प्रॉफिट बुकिंग की जो बात आती है दोस्तों, निफ्टी में, पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूं, जो सेफ ट्रेडर होते हैं। अब जो निफ्टी का लॉट साइज है वो 50 शेयर का है, ठीक है। अब जो सेफ ट्रेडर होते हैं, जब किसी ने मान लिए एक लॉट बाय किया यानी कि 50 शेयर बाय कर लिए, और वो यानी कि 100 रुपए पर आपने निफ्टी का एक लॉट बाय किया है और वो ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो हमेशा याद रखें निफ्टी के अंदर 15 रुपए से 30 रुपए का प्रॉफिट आपको बचाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपने 100 रुपए पर निफ्टी का एक लॉट लिया है तो 115 पर जाते ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दें। वो कैसे शुरू होती है? वो होती है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। यानी कि निफ्टी का आपने एक लॉट 100 रुपए पे बाय किया है, जब वो 115 रुपए पर चला जाता है तो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को आप कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा करके 100 रुपीज पर कर दीजिए। फिर जैसे ही वो ऊपर जाता है अपने स्टॉप लॉस को आप ऊपर चलाते जाइए चलाते जाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको जब कॉस्ट टू कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा ना, तब आपको लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा लॉस नहीं होगा एक रुपए का भी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर आप हमेशा, जो सेफ ट्रेडर हैं, निफ्टी के अंदर हमेशा आप 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। इससे ज्यादा की कोशिश आप तब करें जब निफ्टी एक साइड मूवमेंट कर रही हो और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हो। इसी तरह बैंक निफ्टी के अंदर आपको 30 रुपए से 70 रुपए, यानी कि 30 पॉइंट से 70 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस ट्रेल। यानी कि स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेल करते रहोगे तो वो 500 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन कम से कम आपको लॉस तो नहीं होगा ना। लेकिन बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या, जैसे उन्होंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय कर लिया 100 रुपए के ऊपर और वो फिलहाल चल रहा है 180 रुपए के ऊपर, यानी कि आपको 80 पॉइंट का प्रॉफिट है, लेकिन वो बुक क्यों नहीं करते? क्योंकि पहले दिन वो सोचते हैं कि पहले दिन भी हमने 100 रुपए पे बाय किया था और हमने 180 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो 500 रुपए चला गया, ठीक है। तो वो आज भी वो यही सोचते हैं कि आज भी कहीं हम 180 रुपए पे प्रॉफिट बुक ना कर ले और फिर ये 500 रुपए ना चला जाए, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, हर रोज बैंक निफ्टी इतना बड़ा मूवमेंट आपको नहीं देगी, आपको मूवमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब आती है दोस्तों स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बात, स्टॉक ऑप्शन में आपको कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे दोस्तों रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 शेयर का एक लॉट आता है। अब दोस्तों उसमें मूवमेंट भी ऐसे ही होगी, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसे वो बढ़ता है, तो आप 15-20 रुपए पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक ऑप्शन में, जो स्टॉक लिस्टेड है ऑप्शन ट्रेडिंग में और वो स्टॉक का प्राइस छोटा है, जैसे कि आप आइडिया का लगा लीजिए या फिर इंडिया सीमेंट का है, किसी का 1200 शेयर का लॉट है, किसी का 2200 शेयर का लॉट है, किसी का 4000 शेयर का लॉट है, तो उसमें प्रॉफिट भी आपको उतने ही पॉइंट की करनी चाहिए। 4000 का स्टॉक, मतलब 4000 का एक लॉट है मान लीजिए आप किसी शेयर का,
और वो 1 रुपए ऊपर चढ़ गया, वो ज्यादा नहीं चढ़ेगा, 1-2 ऊपर रुपए ऊपर ही चढ़ेगा, उसमें नॉर्मली इतनी ही मूवमेंट होती है, तो 4,000 रुपए आपके बच गए, 1 रुपए पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी भी टारगेट के भरोसे ना रहें, ठीक है, कभी भी टारगेट के भरोसे ना रहें, जो भी आपको टारगेट दे रहा है वो भी आपको प्रिडिक्शन ही करके टारगेट दे रहा है, वो एक पत्थर की लकीर नहीं है, ठीक है। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। ये दोस्तों आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में, लेकिन इसके ऊपर मैं लाइव ट्रेडिंग के लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी मैं कैसे आपको बता रहा हूं। निफ्टी के अंदर 15 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कीजिए, बैंक निफ्टी के अंदर 30 से 70 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करने की सोचें, और स्टॉक ऑप्शन के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉट साइज 1 रुपए पे 50 पैसे पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो स्टॉक ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब पीएनबी का आप ले लीजिए, पीएनबी में आप बहुत मतलब 50 पैसे पे आपको अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा लोट साइज होता है पीएनबी बैंक का, शेयर छोटा है ना इस वजह से, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। बाकी दोस्तों मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, लैपटॉप स्क्रीन में आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो फिर आप अच्छे से समझ जाओगे, नहीं तो जब लाइव कोर्स करवाऊंगा आपका तो लाइव कोर्स में ये सारी बातें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, लाइव आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। आज पहली वीडियो है दोस्तों चैनल की, इसलिए फेस टू फेस आपसे बात हो रही है, नहीं तो शेयर मार्केट की जितनी भी वीडियो होती है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही होती है, उसमें फेस बहुत कम लोग अपना दिखाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो में फेस दिखाने की, क्योंकि अगर किसी का आपको फेस दिख रहा है ना, तो उसमें सीखने वाले का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है और सिखाने वाले का भी कॉन्फिडेंस हाई होता है, एक ट्रस्ट बनता है बंदे के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब है उस पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के निशान को जरूर दबाना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और इस चैनल पर दोस्तों मैं ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा आपको शेयर मार्केट की, अगर आप किसी का पेड कोर्स लेते हो ना शेयर मार्केट को सिखाने का, वो भी नहीं सिखाएगा, पैसे लेके आपको कोई इतनी चीजें नहीं सिखाएगा जितनी मैं यहाँ पे आपको फ्री में सिखा दूंगा। इसलिए आप अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली दोस्तों आपको वीडियो किसी भी टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप वीडियो बोलोगे उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगी, समय समय पर हम लाइव भी आएंगे, किसी के भी कोई भी शेयर की क्वेरी है हम लाइव आपको दिखाएंगे करके, और इतनी चीजें दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वादा है आपसे। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर YouTube चैनल बना लीजिए, इसलिए दोस्तों ये YouTube चैनल मैंने बना लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी आपके सवाल हैं जवाब हैं कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। किस टॉपिक के ऊपर वीडियो नेक्स्ट लेकर आनी है कमेंट कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। इस चैनल पर हम लाइव ट्रेडिंग भी आपको करके दिखाएंगे आने वाले समय में, अगर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाते हैं। पहला दोस्तों वीडियो है चैनल का, तो इसके ऊपर कम से कम दोस्तों 500 लाइक तो होने ही चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सीखना है तो शेयर मार्केट में, क्योंकि जब तक शेयर मार्केट को सीखोगे नहीं तब तक टिकोगे नहीं, ये बात मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी बोलता रहता हूं। और अगर किसी ने अभी तक कोई नया इस वीडियो को देख रहा है और टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम वहां पर जो अपनी स्टडी डालते रहते हैं उनमें आप ट्रेड करके भी अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक और डिस्क्लेमर दोस्तों मैं आपको दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए सभी आपको वीडियो बताऊंगा सिखाऊंगा, ताकि आप शेयर मार्केट में लॉस ना कर सको। अगर आप कोई शेयर लेना देना चाहते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, हमेशा खुश रहें, और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।